हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानोके में। तो दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा आर्मी भर्ती के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसे अग्निपथ योजना का नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। दोस्तों, इसके लिए देश भर में युवा काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में इंडियन आर्मी के द्वारा अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, इसके लिए जो तमाम जानकारी है, जो नोटिफिकेशन है, आवेदन प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन है, वो कैसे होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं अग्निपथ स्कीम का एक सेक्शन यहाँ पे आपको मिलता है। इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड तमाम जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अग्निपथ स्कीम क्या है, इसके बारे में यहाँ पे आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी। आप इसका जो ब्रोशर है, इसको चेक कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के बारे में इसमें पूरी जानकारी दी गई है। इसमें आपको रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सर्विस अलाउंस, सेवानिधि, डेथ कॉम्पेंसेशन और डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं और अग्निपथ योजना को आप समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट एस अग्निवीर की एक पीडीएफ यहाँ पे दी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। टर्म और कंडीशंस भी यहाँ पे दी हुई हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में, जो कि अभी जो ये योजना है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि 4 साल की सर्विस होना, रिटायरमेंट के बाद पेंशन न मिलना, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इसी के साथ साथ में कुछ FAQs दिए हुए हैं अग्निपथ योजना के बारे में, क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के बीच खासा आक्रोश है और अग्निपथ योजना के विरोध में युवा जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी आगजनी तोड़फोड़ हो रही है। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी और भारत सरकार के द्वारा जो क्वेश्चन है युवाओं के, उनके लिए यहाँ पर एक FAQs का यहाँ पर PDF भी दिया गया है, जिसमें कि आपके सारे डाउट्स और जो क्वेश्चंस हैं, इनसिक्योरिटीज़ जो आपकी, उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है। इसी के साथ साथ में अग्निवीर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे एक दिया हुआ है, अब इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। अभी डेट्स का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं सर्विस के बारे में और डिस्चार्ज के बारे में, इनरोलमेंट फॉर रेगुलर कैडर के लिए यहाँ पे भी जो बताया गया है वो भी दिया हुआ है, और लीव के बारे में, एनुअल लीव के बारे में, सिक लीव के बारे में, और जो आपका पे अलाउंस वगैरह है वो सारा यहाँ पे जो है दिया गया है, सेवा निधि के बारे में, और जो बाकी सारी तमाम जो चीज़ें हैं वो इस PDF में अवेलेबल कराई गई हैं। इसी के साथ साथ में जो आपकी जो एजुकेशंस हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। पहले दोस्तों जैसे GD की अलग भर्ती होती थी और टेक्निकल की अलग भर्ती होती थी, इसमें भी है। जैसे कि पहले जनरल ड्यूटी होती थी, वहीं इसमें अग्निवीर GD की भर्ती है, और वहीं इसमें जैसे कि पहले टेक्निकल होती थी तो इसमें अग्निवीर टेक्निकल करके दिया गया है। आपका जो जैसे प्रोसेस पहले था, लगभग सारा वैसे ही प्रोसेस है, बस आप उसमें अग्निवीर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे अग्निवीर ट्रेडमैन, अग्निवीर GD, इस तरह से यहाँ पे ये सारी टर्म्स आप यूज कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें अभी जो 2022 और जो 2022 का जो ये साल है, इसमें जो भर्तियाँ होंगी 17.5 से 23 साल के लिए होंगी, बाद में ये वापस 21 साल कर दी जाएगी। रिलैक्सेशन के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट और वेट के बारे में, जैसे कि पहले जो कंडीशंस थी सारी लागू होंगी, और जो इसमें रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि जो सर्विसमैन के जो बच्चे हैं उनके बारे में, या फिर जो शहीद के जो बच्चे हैं उनके बारे में, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि उनको हाइट में छूट, चेस्ट में छूट और वेट में छूट, इस तरह की यहाँ पे सारी दी हुई हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड जो कि पहले थे, सारे पहले वाले ही रहेंगे। फिजिकल फिटनेस दोस्तों आपकी जो पहले थी वही आपको पहले नंबर मिलेंगी, ग्रुप ए और ग्रुप टू यहाँ पे दिया हुआ है। 5 मिनट 30 सेकंड में जो आप ग्रुप ए में अगर आते हैं तो 60 नंबर आपको दिए जाएंगे। ऐसी ग्रुप टू में अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक आते हैं तो आपको 48 नंबर दिए जाएंगे। पुशअप्स के लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, और आपका जो बाकी जो चीज़ें होती हैं सारे इसमें पहले के जैसे ही रखी गई हैं। फिजिकल मेजरमेंट आपका पहले ही आपका जैसे था वही सेम रहेगा, उसके बारे में कुछ अलग से इससे कुछ खास इंस्ट्रक्शंस नहीं है, और बाकी जो आपका आवेदन प्रक्रिया है, आवेदन प्रक्रिया भी पहले की जैसी ही रखी गई है। जैसे कि पहले होता था ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता था, और एडमिट कार्ड में जो डेट और टाइम जो मेंशन होता था उसके हिसाब से आपको फिर रैली के ग्राउंड पे जाना होता था।
रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सारा सेम है। उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। डॉक्यूमेंट्स दोस्तों इसमें कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, उनके लिए आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो पूरी देख लेनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और इसके साथ साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वगैरह जो आपके पहले लगते थे सारे इसमें दिए हुए हैं, आपने एक बार चेक कर लेना है। एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है, एनसीसी वालों के लिए इसमें खास छूट भी दी गई है। नंबर में जो रिटर्न के जो आपके नंबर होंगे उसमें आपको इसमें छूट मिलेगी। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी आपका इसमें आप लगाएंगे और स्पोर्ट्स की जो लिस्ट है वो दी गई है। साथ ही इसमें जो बोनस मार्क जो आपको मिलेंगे वो यहाँ पे उसकी लिस्ट दी हुई है इस नोटिफिकेशन में, किस कैटेगरी को किस सर्टिफिकेट पे आपको कितने जो है नंबर मिलेंगे, बोनस मार्क मिलेंगे। और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपने ज़रूर पढ़ लेना है फॉर्म भरने से पहले, ये आप पढ़ लें। इसका जो पीडीएफ है, ये पूरी पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल करा रखी है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका नोटिफिकेशंस के बारे में, नोटिफिकेशंस से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि पहले होता था, joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे आप आते थे और यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलता है जीसीओ और ओआर का। तो दोस्तों जैसे कि आवेदन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो joinindianarmy.nic.in के वेबसाइट पे जो पहले का जो प्रोसेस था, पहले जैसे आर्मी की भर्ती का जो प्रोसेस होता था सेम यही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन है, चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और जीसीओ और ओआर एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी का एक यहाँ पे पेज आ जाता है। इसमें आप सबसे पहले अपना राज्य यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे उत्तराखंड हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। इसका ZRO अपने आप आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट हमें उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और इसका ARO अपने आप आ जाता है, तहसील उसके बाद हम यहाँ पे अपनी चुन लेंगे और हाइट हमारी कितनी है, हाइट हम अपने जो हमारी हाइट है वो हम यहाँ पे चुन लेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे पूछी जाती है, तो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन हमसे पूछी जाती हैं, क्वालिफिकेशन, उसके बाद जेंडर, उसके बाद वैवाहिक स्थिति यहाँ पे पूछी जा रही है, तो मैरिड अनमैरिड वगैरह यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे और चीज़ें हैं, यस और नो हम करेंगे और यहाँ पे उसके बाद हमें जो स्पेशल कैटेगरी है जैसे कि लद्दाखी, गोरखा वगैरह यहाँ पे पूछी जाती है, इसको सेलेक्ट करने के बाद चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक सेक्शन खुल के आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी आई है, जैसे कि अभी इसमें जो है अभी ये खुली नहीं है वैकेंसी, जैसे कि जो अग्निवीर के जो जो अंडर जो वैकेंसी आ रही है उसकी जो तमाम जो यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में आ जाता है। और यहाँ से आप अगर एप्लीकेबल होते हैं तो अप्लाई का लिंक यहाँ पे आ जाता है, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन होंगे अग्निवीर योजना भर्ती के अंतर्गत, जो भी जो युवा जो आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, पुराने वाले मेथड से ही फॉर्म भरेंगे, सेम पुराना तरीका आपका रहेगा आवेदन करने का। बाकी इसमें और जो बदलाव हुए हैं ऑनलाइन प्रोसेस में, अप्लाई करने के प्रोसेस में बाकी बदलाव नहीं हुए हैं, बाकी काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन आवेदन जो प्रक्रिया है वो वैसे ही रहेगी। इसके साथ ही जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी पहले की जैसी रखी गई है, बस जो है आपका प्रोसेस चेंज कर दिया गया है। आपका जो पहले आप GD में जाते थे, अब पहले आप अग्निवीर बनेंगे, उसके बाद आपका जो है प्रमोशन होगा, फिर आपको फिर जनरल ड्यूटी वगैरह में भेजा जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप आर्मी भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर अग्निवीर योजना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अग्निवीर योजना के जो सारी जो FAQs की जो PDF है, जो स्कीम्स की PDF है, नोटिफिकेशन वगैरह की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, वो सारी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराई गई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल ज्ञान ओके को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।